नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंटेलेक्ट क्वेस्ट में। हम आपके रोज़ टेक्नोलॉजी की कुछ खबरें लाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। हम कर रहे हैं 2000 इंस्टाग्राम फॉलोवर्स का गिवअवे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे कि चाइनीज़ कंपनीज़ के फ़ोन सस्ते क्यों होते हैं बाकी कंपनी से, जैसे कि ओप्पो, वन प्लस, हुआवे, एमआई, वीवो के फ़ोन सस्ते होते हैं कंपेयर टू सैमसंग, ब्लैकबेरी, नोकिया, एचटीसी। ये एक टाइम पे इनके फ़ोन महंगे होते थे, अब तो क्लैश कर गई है तीन कंपनियाँ, ये ब्लैकबेरी, नोकिया और एचटीसी। नोकिया दोबारा से वापस आ रहा है, पर वो सस्ते फ़ोन ला रहा है, पर पहले ये सब बड़ी कंपनियाँ थी, एप्पल, सैमसंग। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, हर साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च करती है। एप्पल ने 2018 में 10 बिलियन डॉलर खर्च किए अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वहीं सैमसंग ने 15 बिलियन डॉलर खर्च किए अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और एक टाइम पे ये नोकिया, ब्लैकबेरी और एचटीसी भी करते थे। तो ऐसे में और जो चाइनीज़ कंपनीज़ है, वीवो, ओप्पो, ये बहुत ही कम पैसा खर्च करते हैं अपने रिसर्च डेवलपमेंट में। जैसे ओप्पो ने 2000 करोड़ रुपए खर्च किए, सिर्फ वीवो ने 1500 करोड़ रुपए खर्च किए। तो इस तरीके से इनका जो एक्सपेंडिचर है इस चीज़ में वो कम आता है। ये क्या करती है, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आया उसको लगा के अपने डिज़ाइन में फिट कर देती है। और जबकि एप्पल, सैमसंग जैसे कंपनी अपना खुद का प्रोडक्ट ढूंढती है कि कैसी स्क्रीन लगानी है, क्या वो लगाना, प्रोसेसर लगाना है। बाकी चाइनीज़ कंपनीज मार्केट से उठाती है किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट और लगा देती है अपने डिज़ाइन में। फिर दूसरा पॉइंट है साइज़। जो एप्पल और सैमसंग है बहुत ही बड़ी और स्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, इनका साइज़ इन चाइनीज़ कंपनी से बहुत ही बड़ा है। इनका यह है कि अगर ये कुछ अगर अपने फ़ोन्स का प्राइस डबल भी कर दे तब भी इनके फ़ोन बिकेंगे ही बिकेंगे। इनका मार्केट स्टेब्लिश्ड है, कस्टमर्स चाहते हैं कि इनके फ़ोन खरीदे कस्टमर्स। और जब देखिए आप, एप्पल की वर्थ है $1 ट्रिलियन की कंपनी है, 70 लाख करोड़ रुपये की है। वहीं ओप्पो सिर्फ $85 बिलियन की कंपनी है, 6 लाख करोड़ रुपए की। और वीवो 66 बिलियन डॉलर की कंपनी है, 4.5। तो ये ओप्पो और वीवो अभी अपने मार्केट स्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, छोटी कंपनियां हैं। तो ये चाहते हैं कि सस्ते से सस्ते में अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कराए जिससे कि लोग खरीदें। वहीं एप्पल के प्रोडक्ट महंगे आते हैं तब भी लोग खरीदते ही खरीदते हैं। फिर आता है मार्केटिंग। एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियां मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च करती है, वहीं चाइनीज़ कंपनी नहीं करती। आप देखते हैं कभी भी कोई आईफोन लॉन्च होगा, उसी दिन से यूट्यूब हर जगह उसका ऐड आ जाते हैं, उस आईफोन या आईपैड जो भी वो लॉन्च करती है उस चीज़ का ऐड हर जगह आपको दिखाता है। वहीं ओप्पो वीवो का ऐड सिर्फ आपको या तो दुकानों पर दिखता है, दुकानों पर बोर्ड लगे होते हैं मार्केट में, या फिर उनकी वेबसाइट पर दिखता है। ये अपना एडवर्टाइजमेंट पैसा खर्च नहीं करती है, वहीं एप्पल बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट में। फिर बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। अब आप अगर खरीदे दोनों का फ़ोन तो अंतर तो कुछ नहीं, लेकिन जो बाद में एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती है, वहीं चाइनीज़ कंपनी ऐसी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। अगर आपका फ़ोन ख़राब होता है तो आपको बहुत घूमना पड़ता है चाइनीज़ कंपनी में, वहीं एप्पल में आपका फ़ोन ख़राब होता है तो आपको नया फ़ोन दे देते हैं, वो रिपेयर नहीं करते, बल्कि ये रिपेयर पैसे लेते हैं आपसे, रिपेयर करवाएंगे। अब बात करते हैं हम क्वालिटी की। तो हम क्या इन दोनों की क्वालिटी में कोई अंतर होता है, क्वालिटी में अंतर कुछ नहीं होता, क्योंकि सभी अपना प्रोडक्ट नहीं, जैसे प्रोसेसर मीडियाटेक या क्वालकॉम का लगाती है, डिस्प्ले सैमसंग बनाता है, सिर्फ सैमसंग जापानी डिस्प्ले दो कंपनी है जहाँ से डिस्प्ले लगाई जाती है, तो सब वहाँ से डिस्प्ले लेती है, या तो एप्पल अपनी डिस्प्ले बनाने शुरू कर रहा है। तो क्वालिटी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस यही होता है कस्टमर सर्विस आपको अच्छी नहीं मिलती है। तो ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।